हमारे देश में पुनर्जन्म को लेकर कितनी सारी मान्यताएं हैं, ये तो आप जानती हैं। लेकिन जब इन मान्यताओं को कोई चुनौती देता है तो क्या होगा? आपको पता ही होगा कि हमारे देश के कुछ लोग भी उनके पिछले जन्म को याद करने का दावा करते हैं। और हम आपको पिछले वीडियोस में बता भी चुके हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बच्चे के बारे में जो रसिया का है और वो दावा कर रहा है अपने पिछले जन्म को याद करने। उसका यह कहना है कि इस धरती पर यह उसका दूसरा जन्म है, क्योंकि उसका पहला जन्म मार्स यानी मंगल पर हुआ था और उसने इस बात के कुछ प्रमाण भी बताए हैं। लेकिन ये बात पता चलते ही बोरिस्का किप्रियानोविच नामक ये लड़का सोशल मीडिया और अखबारों में भी सुर्खियां बटोरने लगा। बोरिस्का की माँ एक नर्स है और उन्होंने कहा है कि बोरिस्का बचपन से ही बहुत अलग है। उदाहरण देते हुए बोरिस्का की माँ ने कहा कि जन्म के कुछ ही मिनट बाद बोरिस्का लाइट और चीज़ों पर फोकस करने लगा था। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जब वो सिर्फ 4 महीने का हुआ था तो सिंपल शब्द भी बोलने लग गया था, और वो सिर्फ 1 साल का था तब बहुत कुछ पढ़ सकता था, और महज 2 साल की उम्र में ही वो ड्राइंग भी सीख गया था, और उसके कुछ ही महीने बाद उसने पेंटिंग भी बना ली थी। जब बोरिस्का की माँ का इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने ये बात भी बोली थी कि बोरिस्का कभी कभी कमलासन में बैठकर मेडिटेशन भी करता था, विविध ग्रह और उनके विविध सभ्यताओं के बारे में भी बताता था। लेकिन जब वो ऐसी बातें करता था तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा चौंक जाती थी। बोरिस्का का ये कहना है कि मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीवन मौजूद था और वहाँ के लोग भी अलग अलग कॉलोनीज में विभाजित होकर रहते थे, और इनके बीच में विध्वंसक युद्ध होने के कारण वहाँ का एनवायरनमेंट पूरी तरह से नष्ट हो गया है और मंगल ग्रह अब रहने के लायक नहीं बचा, और इस वजह से अब मंगल पर लोग तो रहते हैं लेकिन वो मंगल के अंडरग्राउंड रहते हैं। और दोस्तों, आपको यकीन ही नहीं होगा, ऐसा कोई इंसिडेंस कहे या और कुछ, लेकिन यूएस के एक वैज्ञानिक ने भी मार्स ग्रह पर न्यूक्लियर अटैक होने का दावा किया था। इतना ही नहीं, बोरिस्का ने कहा था कि मंगल के लोग जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उनके पास पूरी सूर्यमाला में ट्रैवल करने के लिए काफ़ी एडवांस यान मौजूद है, और वो प्लाज्मा एनर्जी पर चलते हैं और ये विमान काफ़ी समय तक उड़ सकते हैं। बोरिस्को ने कहा कि ब्रह्मांड में और भी दूसरे ग्रहों पर जीवन मौजूद है और मंगलवासी वहाँ जाते भी है। बोरिस्को ने ये बात भी कही है कि वो कई बार पृथ्वी पर भी आया था। उसने कहा था कि वो लोग समय यात्रा करने तथा दूसरे ग्रहों पर जाने में भी सक्षम है। उसने ये भी कहा कि अलग अलग ग्रहों की अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है और वो उस हिसाब से अपने यान बनाते हैं। वो प्लाज्मा पावर या फिर आयरन पावर का इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, यहाँ तक कि मंगलवासी पृथ्वी से भेजी जाने वाली स्पेसक्राफ्ट को रेडिएशन द्वारा जांच के डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब बोरिस्को से पूछा गया कि वो मार्स का वासी होने पर भी पृथ्वी पर कैसे आया, तो उसने बताया कि मार्स पे कोई भी कभी भी मरता नहीं है, बस शरीर नष्ट हो जाता है और अंतर्मन पत्थरों में कैद हो जाता है, और जब वो पत्थर टूटता है जिसमें अंतर्मन हो, वो ब्रह्मांड में फैल जाता है और वो पृथ्वी या फिर ऐसे ही किसी प्लैनेट पर जन्म ले लेता है। बोरिस्को ने एक चौंका देने वाली बात ये भी कही थी कि मार्सवासी इनकैप्सुलेटेड एनर्जी बनाने में भी कामयाब हो गए थे, और इसका प्रमुख मकसद ये था कि जुपिटर को अगर इस एनर्जी से भरे कैप्सूल से दागा जाता है तो जुपिटर एक आग का गोला हो जाएगा और ब्रह्मांड में 2 सूरज होंगे। इन 2 सूरजों की एनर्जी से वो और भी उन्नत हथियार बनाने वाले थे, लेकिन तभी मार्स पर विध्वंसक युद्ध हुआ और सब कुछ खत्म हो गया और वो टेक्नोलॉजी भी बाद में लुप्त हो गई। दोस्तों, ये थी बोरिस्को की कहानी। आपको ये कहानी सच लगती है या ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया गया है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और क्या पुनर्जन्म पॉसिबल है, और क्या वो सच में एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर हो सकता है? आपको क्या लगता है, हमें ज़रूर बताएं। और आपको ऐसी वीडियोस लगातार देखने पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए, ताकि हम आपको नोटिफिकेशन भेज सकें। आप अगर चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, तो हमारे वीडियो को लाइक करके इसे शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ सके।